what vaccinations to consider before becoming pregnant. So as joyous a journey as pregnancy is, it is very important that you are adequately prepared to undertake that journey. अपने हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना बिफोर यू बिकम प्रेग्नेंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ प्री कंसेप्शनल विजिट टू द डॉक्टर बट इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द वैक्सीनेशंस वी इंश्योर बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट सो वन ऑफ दीज वैक्सीनेशंस इज द रुबेला वैक्सीन रुबेला एक प्रकार का वायरस है जो कि अगर मदर को होता है तो उसको फ्लू लाइक इलनेस देता है जैसे फीवर खांसी जुखाम बस यही लेकिन अगर मदर को ये इन्फेक्शन रुबेला का इन्फेक्शन कभी बचपन में नहीं हुआ है या उसको फिर ये वैक्सीनेशन नहीं लगा है और वो लेडी इस इन्फेक्शन को फर्स्ट टाइम अपने प्रेगनेंसी में एक्वायर करती है तो ये इन्फेक्शन माँ से बच्चे में ट्रांसमिट होने का रिस्क होता है ये रिस्क मैक्सिमम होता है इन द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी एंड इफ़ दैट हैपन्स तो ये वायरस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है क्योंकि वो बच्चे में कई सारी बनावटी खराबियाँ कर सकता है देयर कैन बी मैल डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट देयर कैन बी अ मैल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन और ऑफ द आइज सो मच सो कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी करनी पड़ सकती है ये चेक करने के लिए कि आपको रुबेला के एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं वी जस्ट नीड टू डू अ वेरी सिंपल ब्लड टेस्ट बिफोर यू बिकम प्रेग्नेंट एंड इफ़ द ब्लड टेस्ट शोज़ कि आपको रुबेला का प्रीवियस वैक्सीनेशन नहीं मिला है तो वी एडवाइज यू टू टेक द वैक्सीनेशन बिफोर यू बिकम प्रेग्नेंट एंड ये वैक्सीनेशन क्योंकि एक लाइव वैक्सीन होती है तो रुबेला वैक्सीनेशन के बाद एटलीस्ट 2 महीने तक प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए आफ्टर दैट यू कैन गो हेड एंड बिकम प्रेग्नेंट The other vaccinations which you must ensure that you have taken before you become pregnant are the flu vaccines. So flu vaccine, especially after the COVID, has gained a lot of importance. It is now highly recommended that you take the flu vaccine every year. In fact, even while you are pregnant, you can take the vaccine in any of the three trimesters. Every year, the WHO comes out with a new strain of the flu vaccine, depending upon the virus. Strain that is circulating that year and this usually the new strain of the vaccine every year comes out in the months of around August and September that is the time when you should ensure that you have taken the flu shot apart from these of course vaccination against hepatitis B and chickenpox or varicella if you have not had the disease in childhood are important vaccinations to consider before you become pregnant